चलिए जी, यहाँ पे अब तैयारी हो रही है। सुबह सुबह का टाइम है यहाँ पे, 8 बजे हम 8 बजे उड़ गए थे। जुहान को मैंने वहाँ पे सुला दिया है, सारा बैग की मैंने सारी वो की है, और यहाँ पे जो है ना थोड़े जो कपड़े गीले गीले हो रहे थे ना वो हमने थोड़े सुखा दिए, लेकिन वो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी ना रात में, जो है हीटर तैयार कर रही हूँ ना आपको इसके कपड़े निकालने में। अच्छा, सर्दियों में एक बच्चे के ना इतने कपड़े निकलते हैं ना कि क्या ही बताऊँ मैं। एक तीन तीन चार चार सूट पहनाओ, एक नीले नीले कलर की हाइनिक होगी, हनी ब्लू, हाँ दे दे बस, ये हाइनिक बना के। जोहा पहले, जोहान को तो मैंने पूरा रेडी कर दिया, अब जोहा को रेडी करके ना फिर हम लोग जो है नाश्ते के लिए जाएंगे बाहर, देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रात में मंगाया था ना बिल्कुल बेकार था, बिल्कुल बिल्कुल खाने का नहीं था। बस जल्दी से इसको तैयार करती हूँ जोहा को फटाफट से, फिर मुन्ने की जो है ना फीडर वगैरह धो के रखती हूँ, ये गंदे हो रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? चलो यार जल्दी उठ जाओ, फिर रूम भी खाली करना है। ये चादर इसी में रख दो, ये इसमें मैले कपड़ों, वो भी मैली है चादर। जोहा को मैंने तीन तीन चीज अंदर पहनाई है, एक मैंने इसकी हाइनिक पहनाई है, उसके बाद ऊन का पूरा अपर पहनाया है, फिर मैंने ये अपर पहना के फिर इसके ये पिंक वाला अपर ये रखा है, उसी तरह अंदर इसको पजामे के अंदर मैंने टाइट्स पहनाया है, और साथ में डबल डबल यहां पे जोहान को भी ना मैंने यहां को मैंने तीन मोटे कपड़े पहनाए हैं, इसे पहनाई है, और इतना मोटा सूट पहनाया है, सॉक्स भी दो दो पहनाए हैं, तीन तीन सॉक्स पहनाए मैंने मुझे भी मुझे दो दो। हालांकि हमारे इस रूम में जो है ना बिल्कुल हीटर चल रहा है, बिल्कुल हीटर चल रहा है, फिर भी और जोहा की ट्रॉफी भी यहाँ के रखी है मैंने। तो ये छोटा सा हमारा रूम था, ये हमारा पिंडी में इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद बहुत महंगा होता है इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में हमने लिया क्योंकि हम लोगों ने यहीं से जाना था, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं जी मरी जा रहे हैं हम लोग, हमने कहा आए थे 2 दिन के लिए मरी चले जाते हैं। कॉस्टली ये भी 6,500, वो तो 12,000 मांग रहा था, उसके हिसाब से ये बहुत सस्ता है ना यार, तो 12,500 और 6,500 में थोड़ा ही फर्क है, नहीं थोड़ा फर्क तो नहीं, फर्क यानी इतने बंदा आराम से कुछ भी नहीं खाया इन्होंने, तो फिर भी पेट भर के खाया, भूख लगी थी पर उनकी चाबी भी मिले वो खाना चाहिए, हमने तो नहीं खाया, नहीं खाया बिल्कुल, अब हम कहा बचा के ना कोई देखते हुए देसी खाना मिल जाए। मेरे साथ हुई भी बुरी ना, मैंने चाय मंगाई, मैंने कहा वो दे रोटी खा लो, रोटी नहीं रोटी उठा के मैंने ही दे दी, रोकी भी नहीं उसको। सही, ये जोहान की टोपी, ये जोहा की टोपी करते हैं, और हमारा ये वाला रूम था, ये अलमारी थी, इधर हमने हर कुछ रखा ही नहीं क्योंकि हम उससे रात स्टे किया था बस, मेरी जैकेट पड़ी है ना, इधर भी एक फैमिली है, ये भी अगर ये ऐसा रूम, हाँ ये फैमिली होटल है, सारा फैमिली होटल है, इधर भी एक फैमिली रुकी हुई, अगर बड़ी फैमिली कोई आए ना तो फिर ये पार्टीशन खोल देते हैं, खोल देते हैं वो एक ही फैमिली हो अगर, हमारे पहले पक्षे तो गए थे सब लोग वगैरह, अगर आशानु भाई वगैरह तो फिर ये तो बेस्ट है, यहाँ पे रुक के वो खोल दो, दोनों एक ही हो जाएगा, बाहर से अंदर आना जाना ही नहीं करो, बैठते हैं हमने सोई थी मैं और हनी, ये वॉशरूम था हमारा, ये लेकिन इसमें गर्म पानी की सहूलत बिल्कुल नहीं, बोले थे आ रहे कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं रात में आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था, हमें रात तो मैंने हाथ मुंह धोया, हम लोग नहाने के लिए बैठ रहे थे, हमने कहा नहाएंगे यहाँ पर, देखो हीटर में ये भी सूख गए कपड़े ना, मैंने सही किया था यहाँ डाल दिया, गलती हमसे ही हो गई, कुछ हमने कपड़े नहीं सुखाए, कुछ हमने कपड़े नहीं सुखाए, खैर है कोई बात नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ते के लिए, देखते हैं हम नाश्ते क्या करते हैं, नाश्ता मेरा दिल कर रहा है कुछ साग वगैरह मिल जाए, लेकिन पत्नी मिले यहाँ नहीं मिलते साग वाग, फिर कहाँ मिलते साग, पंजाब में मिलते हैं यहाँ, पिंडी है ये, पिंडी के लोग इतने शौक से नहीं साग वाग पालक वालक ये चीजें नहीं पकाते, मैं भी होटल में नीचे देख के आया हूँ, हाँ ये तो आने के बाद दूध बना लिए वो लेंगे, थर्मोस तो भी लेके जाना, टोपी पहना दें, निकले बस, अब बच्चों के ना मैं गरम सॉक्स लूंगी बस, जोहा के और जोहान के, इनके सूट सॉक्स नॉर्मल वाले हैं, गरम नहीं है कोई भी ना। चलो जब हम लोग निकल रहे हैं खाना खाने, हनी उठा के जोहान जोहान का करें, आ जाओ रूम लॉक कर लेंगे ना, हनी आ जाओ,
चलो यहाँ पर लोग हो गया है हमारा कमरा वाला, अभी तक गुड्डू सो रहे हैं। अनी इसको देखना, ये रंग गिरे रुमानी थर्मोस उठा लिया, इसको पानी गर्म करवाना है हमने अभी रास्ते के लिए। चलो आ जाओ, ये था हमारा रूम C05, लॉक कर दिया है, अभी जा रहे हैं। चलो भाई चलो 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 चलो, हाँ डर गई मैं, चलो डर गई मामा, तो आपकी भाऊ से ना मामा डर गई। देख रहा शीशा लगा रहा है, देखो है प्यारा है ना, हाँ अच्छा लग रहा है, नीचे वाला फ्लोर भी ना शीशा अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा है, बिल्कुल साफ सुथरा। हाँ साफ सुथरा। अभी चेकआउट नहीं कर रहे, अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। ये इनका रिसेप्शन है, गरम करना पानी रात में बच्चे ने दिया चीज को पान पिया लगी क्योंकि साफ पड़ी है, छोटे पानी इसमें है मौजूद ठीक है, फिर अब ये उल्टा के गरम करना है। फिर ठंड नहीं है, मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है आज पिंडी का ना, नाश्ते के लिए नहीं नान चने मैंने खाती, आप भी खाते नान चने, आप भी खाएं पराठा अंडा सिंपल सा पराठा, अंडा पराठा तो यहाँ कोई कराई मौसम है, पूरी सड़कें गीली हो रही हैं इधर, ये देखें पिंडी का किधर, ये हम उस होटल अल बनारस में रुके हैं, ये वाला होटल है हमारा। चलो आ जाओ, कहाँ पर चले, कहाँ चले, होटल में अंडा पराठा तो मुश्किल मिलेगा, फिर भी पूछ लो। चलो आ जाओ देखते, बहुत प्यारा से ठंडी ठंडी हवाएं मुँह पे लग रही है माशाल्लाह से, गरम गरम पराठे वहाँ पे देखो लगा रहे हैं ना, पानी देखो ये लगा रहे गरम गरम पराठे, ये देखो ये पराठे बने हुए रखे हैं सारे, यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं। आ जाओ जोहा, ये यहाँ पे सालन वगैरह है सारे, आ जाओ आ जाओ, अंडा भी खाएंगे, अंडा भी खाएंगे, आ जाओ, वो है फैमिली रूम ना, और चलते हैं। ये फैमिली हॉल इन्होंने बनाया पर्दे लगा के, पर्दे लगा के बनाया है, इन्होंने क्या हम फौरन निकलेंगे मरी के लिए, नाश्ता लोग खाते हैं, आप भी बजाओ नहीं। चलो जी नाश्ता है हमारा, ऑमलेट है साथ में, मूंग छोले की प्लेट है, चने और चिकन, चाय है वहाँ पे, जोहान लेट गया है यहाँ पे खाना खा रहे हैं, अच्छा है जो नाश्ता, और पराठे ऐसे गरम गरम बना के दिए इन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह, नाश्ता बहुत मज़े का है, चीज़ तो बढ़िया है, वैम्पायर भाई जी बोलते हैं ना चीज़ तो बढ़िया है। नाश्ते के बाद इन लोग के सॉक्स लेने जाएंगे हम लोग, अच्छा है नाश्ता नहीं, गरम गरम चाय से भी धुआं निकल रहे, चलो सही है सही है, 450 और 390 सही है। फिर बारिश शुरू हो गई है इधर, मौसम देखो, हाँ फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई ना, वो वाला कान कान वाला, कान वाला कर दो इसका, कान वाला किधर, चलो यहाँ पे हमारा सारा सामान चला गया नीचे, बस एक सामान बचा हमारे वाला, ये एक सामान बचा, इसे कौन उठाएगा है, इस सामान को कौन उठाएगा, चले बाय बाय कर दो, शुरू उनको भी कर दो बाय बाय, बोला हम जा रहे हैं, हम तो गुगलू बन रहे हैं, गुगलू बन रहे हैं, अंगूठा खाने लगा है ना, अंगूठा पूरा मुंह में रख, देखो आए हाय बस डुडू निकालता है, डुडू आपको कराऊंगा आपके पास, चलो भाई आ जाओ बस आ जाओ, चलो भाई आ जाओ, चलो अब हम गाड़ी आ गई नीचे, हम लोग जा रहे हैं, अब हम निकल रहे हैं मदी के लिए इंशाल्लाह, चले आ जाओ। और ये सारे आपको पता है, चले जी ये हमारी गाड़ी आ गई, हम जा रहे हैं जोहा, ये अंदर बिछाओ भैया के लिए, चलो शाबाश, बारिश भी शुरू हो गई, तो गाड़ी में बूंदे गिर रही है, बारिश भी शुरू हो गई जोहा, कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, अच्छा हमारे ऐसे मौसम ही होता तब इतना अच्छा लगता, ब्लैंकेट ब्लैंकेट बिछा लो आप, पकड़ा हुआ मैंने आप बिछाओ, नहीं काके नहीं 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 नहीं
आगे बैठना आप मेरे साथ। इसको उड़ा के रख जाओ, तो आपसे मुलाकात करेंगे आप नेक्स्ट व्लॉग में, अपने मरी वाले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।